आज का इस वीडियो में हम देखेंगे सीजीपी सिप्री 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे किस प्रकार किस टॉपिक से ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो नमस्कार, मैं रुपेश आर, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब पर। सीजीपीएससी प्री और व्यापम जैसे वन लाइनर एग्जाम को निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा, ये मालूम होना चाहिए कि सवाल किस प्रकार का आ रहा है, किस टॉपिक पर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। आपको एनालिसिस करना चाहिए कि किस प्रकार एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, किस प्रकार का जो क्वेश्चन है अधिक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं किस टॉपिक से। तो इसको जानने के लिए आपको प्रीवियस वर्ष का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। 5 वर्षों का प्रीवियस वर्ष क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें और साथ ही आपका सबसे पहले आपका मुख्य सिलेबस आप एक बार जरूर देखें। सिलेबस आपको मालूम नहीं हो तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो सीजीपीएससी प्री का जो सिलेबस है प्री, उसको पहले अच्छे से अध्ययन करें, उसके बाद आप प्रीवियस वर्ष का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। और तीसरा है आपका टाइम मैनेजमेंट, 7 से 8 घंटा आप अच्छे से पढ़ाई करें। और आप YouTube पर भी पढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी कोचिंग क्लास में पढ़ाई कर सकते हैं, उसको आपको अनुभव होगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन करेंगे पूरा सीजीपीएससी प्री के लिए। पहला सवाल आपके सामने इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, महिला अधिकारी कौन है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। नैना सिंह, फतिमा वसीम, शिव चौहान, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। टोटल आज हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। कितने क्वेश्चन? 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका कितना सही होता है और कितना गलत होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जो लोग सीजीपीएससी प्री और व्यापम जैसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज टेस्ट क्लास है, ठीक है? कौन सा क्लास है? टेस्ट। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, है ना। उसके बाद पार्ट टू वीडियो में आपका 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका पहला पेपर है GS1, ठीक है। दूसरा पेपर रहेगा सी सेट का क्वेश्चन पेपर रहेगा। अगर आपको सीजीपीएससी प्री जैसे परीक्षा निकालना है तो आपको प्रीवियस वर्ष का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ये आपको पूरा मैंने आपको बताया है। तो आप लोग जल्दी से आंसर देने का प्रयास करेंगे। पहला का ऑप्शन ए होगा नैना सिंह, यानी कि नीना सिंह, ठीक है, नीना सिंह, ठीक। जितने लोगों का आंसर ए आया होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपका आंसर दीजिएगा, ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन, सेकंड क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष में शुरू किया गया था 1942, 40, 1944 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इंग्लिश में आपका रहेगा, लैंग्वेज में क्विट इंडिया मूवमेंट वॉस लैंग्वेज इन द वर्स, यानी कि लॉन्चेड, है ना, लॉन्चेड इन द वर्स। मैंने आपको दोनों तरीके से बताया है, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में लैंग्वेज में। आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो जितने लोगों का आंसर ए आया है प्रीवियस वर्ष का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं 2023 का, ठीक है, एनालिसिस करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष में शुरू किया गया था 1942 में। तीसरा क्वेश्चन कहता है, अगर आप प्रीवियस वर्ष का क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज लगाते हैं आपको कितना सही होता है कितना गलत होता है आपको यहाँ से मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि व्यक्तिगत प्रायोज्य आय यानी कि PDI एक क्या है, है ना। तो मैंने 2023 में प्रीवियस वर्ष क्वेश्चन पेपर का एग्ज़ाम दिया है, उसमें प्री का एग्ज़ाम में मेरा प्री निकला हुआ है, ठीक है, और उसका मेंस का नहीं निकला है, ठीक है, मेंस का चुक गया, नहीं निकल पाया, ठीक। तो इसका आंसर ए होगा PDI, ठीक है, इसका आंसर ए होगा PDI इक्वल व्यक्तिगत आय, ठीक, माइनस व्यक्तिगत का भुगतान, आंसर ए होगा। चौथा क्वेश्चन करेंगे, संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करेंगे। तो संघ और उसके अधिकार क्षेत्र आपको पढ़ा होगा संविधान, ठीक है, संविधान से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना। तो भारत 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों का क्षेत्र बना है, तो बिल्कुल सही होगा, क्या होगा, बिल्कुल सही है। दूसरा है, भारत और राज्यों का एक संघ, भारत के राज्यों का एक संघ है, ठीक है, जो एक संपूर्ण संप्रभुता समाजवादी पंथ निरपेक्ष व्यक्तिगत लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा सही है, तो इसका आंसर सी, दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सवाल सही है। क्या बोला गया है कि संघ और उसके अधिकार क्षेत्र, संघ और उसका अधिकार क्षेत्र के संबंध में कथन, तो राज्य और संघ कितना, अनुच्छेद 1 में, आर्टिकल नंबर 1 में है, तो दोनों सही होगा। भारत 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों से बना हुआ है, ठीक है। यह आपका सेट सी है, कौन सा सी है, सेट सी क्वेश्चन पेपर है, ठीक है।
पांचवा है करंट अफेयर का क्वेश्चन, इसरो के चंद्रयान 3 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। चंद्रयान 3, पहला है चंद्रयान 3 एक छोर से दूसरे छोर पर सुरक्षित रूप से उतरने और चंद्रमा के तल पर घूमने के लिए क्षमता प्रदर्शन करने के लिए चंद्रमा 2 का अनुवर्ती था। सेकंड है इसे प्रक्षेपास्त्र यानी कि LVM3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था या केवल एक या दो या तीन, क्या आएगा। तो इसका आंसर दोनों होगा, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। जितने लोगों का आंसर सही होते जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और जो लोग आंसर दे रहे हैं तो वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि छठवा का सवाल सी है या ए है या बी है, या पांचवा का ए है या बी है या सी है, इस प्रकार का आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और जो लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। अब से डेली हम आपके लिए प्रीवियस वर्ष का क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे CGPSC प्री और व्यापम जैसे परीक्षाओं के लिए। आगामी एग्ज़ाम आपका ADO, इसका भी वित्त विभाग से अनुमति मिल चुकी, इसका वैकेंसी कभी भी देखने को मिल सकता है। और आपका प्रयोगशाला परिचारक का जो एग्ज़ाम है, जो उच्च शिक्षा विभाग से जो भर्ती निकाली गई थी, उसका भी जल्द नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। उसमें आपका छत्तीसगढ़ कॉमन है, इसमें भी छत्तीसगढ़ कॉमन है, आपका PSC में भी छत्तीसगढ़ कॉमन है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। व्यापम जैसे परीक्षा वन लाइनर के लिए आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का गठन 1885 में हुआ था, या आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के पहले अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी, नीचे दिए गए विकल्प चुनते हैं। चलिए, कौन सा सही है, इसका आंसर एक और दो दोनों सही हैं, ठीक है। सातवां का क्वेश्चन देखेंगे, स्कर्वी एक बीमारी है, इसमें विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछा गया है। स्कर्वी एक बीमारी है, कौन से कमी से होता है, चलिए बताएंगे। तो सातवां का कौन सा हो जाएगा, सी, विटामिन सी से, ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन था। देखेंगे, इसरो द्वारा हाल ही में शुरू किए गए एक्सपोसेट, ये अगर करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं तो मैं बुक लिस्ट आपको बता दे रहा हूँ, जिसमें करंट अफेयर अर्जुना का करंट अफेयर, वहाँ से क्वेश्चन उठाया हुआ है, ठीक है। तो अर्जुना के करंट अफेयर से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक, या कौन सी है, आंसर एक या आंसर दो। तो इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, आपका आंसर एक और दो बिल्कुल सही है, ठीक है, पहला और दूसरा सही है। भारत का संविधान लागू हुआ था, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1950 को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे नौवां का आंसर कौन सा होगा। तो भारत का जो संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन, इसका लागू कब हुआ था भारत का संविधान, 26 जनवरी 1950 को, इसका आंसर बी, जितने लोगों का आंसर बी आया हुआ है बिल्कुल सही है, सही जवाब है। आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताना कि कितना क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं और कितना क्वेश्चन आप लोग का रॉन्ग है, ठीक है, यानी कि गलत उत्तर है, ठीक। चलिए, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी हाल ही में आपको हॉस्टल वार्डन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन दिया हो तो कैसा दिया था, कूटबद्ध तरीके से कूट वाले सवाल दिए गए थे, ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी कूट वाले सवाल दिए जाएंगे। तो टोटल हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कथन पर सही विकल्प चुनें। पानी में बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों की उपस्थिति प्लवन यानी कि मुक्त तैरने वाले शैवाल के अत्यधिक वृद्धि के कारण बनती है। शैवाल प्रस्फुटन पानी की गुणवत्ता और मछली पर, या इसका कौन सा कथन सही है गलत है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, एक सही है, दो सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, या एक और दो दोनों सही हैं। तो दसवां का आंसर कौन सा हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, इस सवाल को मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अर्थशास्त्र के 2023 में सीवरेज रिक्स बैंक पुरस्कार यानी कि नोबल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, अभिजीत बनर्जी, क्लाउडिया गोल्डिन, एस्त्रे डुफ्लो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो क्लाउडिया गोल्डिन ऑप्शन बी, इसको मिला है 2023 में, ये अर्जुना करंट अफेयर के सवाल से पूछा गया था, बुक से पूछा है। प्रायद्वीप पठार के बारे में निम्न कथनों पर विचार करेंगे, जो प्रायद्वीप पठार है इसका आंसर क्या होगा।
नदी के मैदानों में 150 मीटर की ऊंचाई से 600-900 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाला अनियमित त्रिभुज प्रायद्वीप पठार के रूप में माना जाता है, या फिर उत्तर पश्चिम में दिल्ली पर्वतमाला, पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, पश्चिम गिर में पर्वतमाला, दक्षिण में कंडारा पहाड़ी प्रायद्वीप पठार की सीमा बनाती हैं। कथन पर विचार करेंगे तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा कथन होगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें प्रायद्वीप पठार के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा होगा देखकर बताएंगे, पहला या दूसरा, दोनों सही हैं या दोनों गलत है, या पहला सही है दूसरा गलत है, या पहला गलत है दूसरा सही है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो इसका आंसर बिल्कुल सी होगा, दोनों, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है, होयसलेश्वर, कंदरिया महादेव मंदिर, श्री राम मंदिर, या उपरोक्त में से कौन नहीं, चलिए कमेंट करके बताएंगे। 13 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा विच ऑफ फ्लोइंग टेम्पल आर एग्जाम्पल ऑफ वास्तुकला, मतलब वेसर शैली ऑफ आर्टिकल्चर मतलब वास्तुकला, ठीक है। कौन सा मंदिर है जो वेसर शैली से उदाहरण है, तो होयसलेश्वर मंदिर ऑप्शन ए होगा। और कितने लोगों का सही है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। टोटल हमने अभी 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, कितने लोगों का आया है, बिल्कुल सही जवाब है होयसेल, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास घटनाओं के सही कालक्रम में है, चलिए कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर कौन सा होगा। चलिए सभी लोग आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, चलिए बताएंगे कौन सा होगा इसका। आप लोगों को याद होगा मार्लेमिंट सुधार, जलियांवाला हत्याकांड, गांधी इरविन समझौता, अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा कि किस प्रकार कौन सा टॉपिक में आया हुआ है, कौन सा सन में है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि मार्लेमिंट सुधार कब हुआ था, जलियांवाला बाग कब हुआ था, 19 अप्रैल 1919 वाला, और गांधी इरविन समझौता कौन सा है, गांधी इरविन समझौता 1931, अगस्त प्रस्ताव यानी कि 1942 के आसपास, मार्लेमिंट सुधार आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सा और किस प्रकार का है। तो चलिए हम देखेंगे 14 का आंसर कौन सा हो जाएगा, 14 का आंसर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, जलियांवाला बाग, उसके बाद है त्रासदीगत, गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव, मार्लेमिंट सुधार, ठीक। मध्य भारत की मिनरों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करेंगे, 13वीं या 15वीं इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन से इसका आंसर होगा, ठीक है। आप लोग पढ़िए जल्दी से और इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करना स्टार्ट करें। 15 का आंसर कौन सा होगा, पहला या दूसरा, उपयुक्त कथन का सही आप लोग आंसर देंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। इसका आंसर केवल दो सही है, 15वीं शताब्दी में चांद मीनार यानी कि 210 फीट ऊंची एक पतली मीनार है जो कि 4 मंजिलों में विभाजित है। मैं प्रीवियस वर्ष का क्वेश्चन पेपर इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको एनालिसिस हो सके कि किस प्रकार का, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, तो ये आपको बजट अनुच्छेद 112 बजट से संबंधित है, अनुच्छेद क्षमा दान करने की शक्ति, तो अनुच्छेद 88 कौन सा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो 16 का आंसर कौन सा हो जाएगा, 16 का आंसर बिल्कुल सी होगा, यहाँ पर बजट से संबंधित है 112। रोले एक्ट के बारे में कथन पर विचार करेंगे, रोले एक्ट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ, हालांकि यह काफ़ी हद तक शहरों तक सीमित था। इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट करके, आपका पहला या दूसरा कौन सा होगा। तो ये अभिव्यक्ति स्वतंत्र जैसे मौलिक अधिकार अंकुश लगाया और पुलिस की शक्ति मजबूत बनाया, कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी। तो इसका आंसर पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। भारतीय में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिए गए, हाल ही में अभी नोबेल पुरस्कार मिला है 2024 में, उसको आप एक बार देख के जरूर जाएंगे। अभी क्या चल रहा है, चुनाव से संबंधित है ना, अभी चुनाव है आने वाले साल में, मतलब आने वाले में,
तो आप चुनावों से एक बार अच्छे से पढ़ के जाएंगे, जैसे पंचायती राज व्यवस्था वगैरह से कुछ क्वेश्चन देख के जाएंगे, वहाँ से पूछे जा सकते हैं चुनाव संबंधित। भारतीय में नोबल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? प्रायोगिक विधि में जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गति के अध्ययन के लिए प्रकाश या फिर उलझे हुए फोटॉन के संबंध बेल असमानताओं को उल्लंघन दिया, वो क्वांटम की सूचनाओं को नियंत्रित करना कौन सा ऑप्शन होगा, या पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग में तो आप लोग का कौन सा होगा, या डॉक्टर डी क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल सही जवाब 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए लंबा सवाल है, 50 क्वेश्चन करेंगे। संगीत श्रेणी में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीजन नेटवर्क में जोड़ा गया है? कौन सा है, जल्दी से कमेंट कर बताएं। कोकीकोड़े, उपटी, ग्वालियर, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से क्वेश्चन करना प्रारंभ करेंगे, ठीक है, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। तो 19 का कौन सा हो जाएगा, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए, तब तक मैं आंसर दे रहा हूँ, ग्वालियर। ठीक, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। कैबिनेट सचिवालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, ऑप्शन ए दो, तो कौन सा कथन होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। मैं इसका आंसर फटाफट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको मालूम है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो 21 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, इसका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। क्या हुआ, धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। ठीक, लक्षद्वीप समूह के बारे में कथन पर विचार करेंगे, पहला दूसरा तीसरा कौन सा है द्वीपों का, यह समूह छोटे मुंगा द्वीपों से या पहले इन्हें लेकर डी मिनिकाय और अमिंदीव के नाम से जाना जाता है, यह तमिलनाडु के कोरोमंडल के तट पर स्थित है या इनमें से कोई नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए बी सी या डी, ये पहला या दूसरा या केवल तीसरा या उपरोक्तों में से कोई नहीं। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, 22 का आंसर बी होगा, पहला और दूसरा। चलिए छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है, शासक राजवंश संगम वंश सालू वंश तुलू वंश किससे संबंधित है? वारंगल, कश्मीर, विजयनगर, उपरोक्तों में से कोई नहीं। तो 23 का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 23 का आंसर सी है, विजयनगर, ठीक है। जो तुलू वंश से संबंधित है, सभी विजयनगर से संबंधित हैं। जैन दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो जैन दर्शन में जल्दी से विचार करेंगे कौन सा ऑप्शन होगा, पहला या दूसरा। तो जैन दर्शन के संबंध में देखेंगे, जैन दर्शन दो मुख्य सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमता है, अर्थात अनेकांतवाद और रहस्यवाद। दूसरा है, अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं, वह स्थायी गुण जो कि वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है गुण कहलाता है, कौन सा होगा। तो 24 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी है ना, उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक और दो, दोनों दोनों सही हैं, कथनों पर विचार करने दोनों सही है। जैन दर्शन के दो मुख्य सिद्धांत इर्द गिर्द घूमता है, अर्थात अनेकांतवाद और स्यादवाद, ठीक। तो ऑप्शन पहला और दूसरा सही है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, टोटल 25 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद 25 क्वेश्चन बाद में करेंगे पार्ट टू वीडियो में, ठीक है। पार्ट टू वीडियो में टोटल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? सभी को मालूम है ये क्वेश्चन का आंसर, दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके बताएंगे, काट कर जलाने वाली कृषि जिसे आमतौर पर झूम की कृषि कहा जाता है, कमेंट करके जरूर बताएं इसका आंसर क्या होगा। काट कर जलाने वाली कृषि जिसे आमतौर पर झूम की कृषि कहा जाता है, तो 26 का आंसर कौन सा, कमेंट करके बताएंगे। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित है, या भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में प्रचलित है, या भारत के पश्चिम तट